सामाजिक संस्था की ओर से भव्य दहीहांडी महोत्सव 2022 का आयोजन शनिवार 20 अगस्त को शहर के सी रोड स्थित टेलीफोन एक्सचेंज चौक पर रुतिका डाफ नागपुर शहर अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ महिला युवती साथ ही अक्षय दिलीप घाटोले नागपुर लोकसभा शहर युवा कांग्रेस संस्थापक अध्यक्ष एक प्रयास सामाजिक संस्था इनके संयुक्त तत्वाधान में शाम 5 बजे से आयोजित किया गया था। इस भव्य दहीहांडी के मीडिया पार्टनर रहे एनबीसीएन न्यूज। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खूबसूरत झलकियां। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित दही हांडी महोत्सव एक प्रयास सामाजिक संस्था के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। टेलीफोन एक्सचेंज सीए रोड में दिनांक 20 अगस्त शनिवार शाम 5 बजे से इस भव्य दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि कार्यक्रम की आयोजक रुतिका ताई डाफ मसमारी, राष्ट्रीय ओबीसी युवती महासंघ, साथ ही अक्षय दिलीप घाटोड़ी, नागपुर लोकसभा युवा कांग्रेस संस्थापक अध्यक्ष एक प्रयास सामाजिक संस्था इनके संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में सुनील बाबू केदार, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र शासन एडवोकेट अभिजीत वंजारी, महाराष्ट्र विधान परिषद और प्रमुख रूप से बबन राव तायवाड़े सर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान डीजे पूजा के धुन ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। इस दही हांडी प्रतियोगिता में करीब 6 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिनमें विजेता हुई टीम को शॉल, श्रीफल और 71,000 रूपए नकद देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि आयोजित इस कार्यक्रम में टिकटॉक से फेमस हुए समीर स्टाइलो के आते ही पब्लिक ने धूम मचा दी। कुछ लोगों ने उनके अकाउंट के साथ भी छेड़छाड़ की थी, जिसकी कंप्लेन भी उन्होंने दर्ज की। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल को बिगाड़ने की भी कोशिश की गयी थी, लेकिन समय रहते लकड़गंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पराग पोटे ने अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर परिस्थिति को काबू में कर लिया। लगभग 200 वॉलंटियर की टीम ने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। आयोजित कार्यक्रम में अवंतिताई लेकुर वाले, मनोज भोजवानी सामाजिक कार्यकर्ता, इनका भरपूर सहयोग रहा। आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पब्लिक मौजूद थी। आपको बता दें कि नागपुर शहर में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भव्य दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रुतिका ताई डाफ मसमारे, राष्ट्रीय ओबीसी युवती महासंघ, साथ ही अक्षय दिलीप घाटोड़े, नागपुर लोकसभा युवा कांग्रेस संस्थापक अध्यक्ष एक प्रयास सामाजिक संस्था, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। विपरीत परिस्थितियों को मात देते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किया। इन्हीं के अथक प्रयासों की वजह से यह कार्यक्रम सफल रहा।
इस कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर थे एनबीसीएन न्यूज और नागपुर मेट्रो समाचार। एनबीसी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रूपा पंडित।